हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। संडे मॉर्निंग में रजनी राठी के व्लॉग में स्वागत है। तो संडे मॉर्निंग तो अब रही नहीं है, आफ्टरनून हो रहा है, सवा पौने एक बज रहा है। सब नहा लिए हैं, बच्चों ने खाना नहीं खाया क्योंकि बच्चे उठे थे 11 बजे संडे को, और अभी कोई प्रेशर नहीं है बच्चों पे उठाने का कोई जल्दी, तो मेरे सिर में दर्द कर देते हैं जल्दी उठ के। आराम से उठने दिया मैंने उनको, फिर दूध पिया उन्होंने और फिर मस्ती की, खेले। अब नहा रहे हैं तो मैं बना रही हूँ लंच। भी लाइट नहीं है और मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब ना सर्दी और ना गर्मी। मौसम ऐसा है ना, पंखे चलाने ना एसी चलाना, नॉर्मली रह सकते ना सर्दी, ओढ़ने की जरूरत है। और जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ, पूरा प्रॉपर ठीक होते ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, और वेट लूज जरूर करूंगी क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ रील प्रमोशन करती हूँ ज्यादातर। अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, स्लोमो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मन ही नहीं करता है। जो पुराने कपड़े वो फिट नहीं आ रहे हैं, वेट ज्यादा बढ़ गया है तो मन ही नहीं करता है कुछ भी काम करने का, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो बर्डन का काम है वही करती हूँ। तो अभी काट लेते हैं भिंडी, मैंने भिंडी धो ली है, ये देखो धो के सुखा ली स्लेब पे ऐसे, अब इनको मैं काट लेती हूँ। इसने इसके ऊपर बैठ के मजे से सो रहा है गत्ते के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इसके सोने के लिए इसके बेड निकाल दिया जाए, ठंड लग रही होगी इसको। टेबू टेबू टेबू, बात नहीं करनी, बात नहीं करेगा, होगी होती रहेगी। ना ना बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, सुबह उठते मेरी इसी बात की लड़ाई रहती है। आज ये दाढ़ी कटवा लो और मूंछ काली करवा लो, अच्छी सी कटिंग करवा लो। मुझे नहीं बताया ऐसे बुढ़े से लग रहे हो, मेरी वीडियो में सब ऐसे ही बोलते हैं। बनने की एक्टिंग मत करो, हो गया ये काम ने तुम्हें ऐसा कर दिया, मेहनत ज्यादा करते हो। कोई नहीं, आज इसे क्लीन शेव करवाओ, मूंछ बढ़िया सी करवा लो काली, बाल भी बढ़िया कटिंग, और फेशियल करवा लो, ब्लीच करवा लो, थ्रेडिंग करवा लो। ये मेरा दूध निकल गया था, बच गया बच गया बच गया। अभी एक तो निकलने ही वाला था, देखो इस पे भी पूरे पे फैल गया था, इसको छोड़ के अंदर चली गई दूध को, बच गया मेरा, आ गई टाइम। ये हो गया जी हमारा लंच तैयार, और मैं बना रही हूँ पराठे। ये मेरी चाय बन गई है, बहुत ही कम हो गई जल जल के, पर मुझे तो थोड़ी पीनी, मैंने लंच कर लिया था उस टाइम, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी। और ये अब हस्बैंड जी उठे हैं 3:30 बजे, तो ये देखो इनका लंच, भिंडी चटनी पराठा चाय। ये दही नहीं ले रहे अभी, सुबह भी इन्होंने पराठा ही खाया था। हेलो जी, बच्चों ने सब ने खा लिया है, सब रेडी हो गए हैं, गुड़िया अपनी पढ़ाई कर रही है, और याद ही आ गया है, थोड़ी वीडियो बनाई थी हमने, ये लगी रिंग लाइट। तो अभी मैं इनको पराठा सेक के दे देती हूँ, फिर हमें जाना छुटमलपुर बच्चों की दवाई लेने और अपना इंजेक्शन लगवाने। अब मेरे को काफी आराम है इंजेक्शन से। ये देखो जी, ये बन गए गर्मा गर्म पराठे हस्बैंड के। हमारा सब काम निपट गया है, रात तक का खाना बन गया मेरा, क्योंकि बच्चों ने अभी लेट ही खाया है और मैंने भी पेट भर के खा लिया है। ये छुटमलपुर जाने के लिए रेडी हो गए हम। वैसे तो मैं अभी इतनी जल्दी, मुझे टाइम नहीं मिलता जाने का, मोहन बांध रहा है डेबरी को, और 4 बज गए हैं सुबह से ही, मतलब ये टाइम कर दिया मैंने जाने जाने में। ये भूल गई थी मैं, नैना का जो अस्तर का कपड़ा लेके आना है, तो इस सूट के कपड़ा लेके आऊंगी 2 मीटर, तो वापस आई मैं गाड़ी में से उतर के। हाँ जी, हमने अब ले लिए यहाँ से थोड़ी देर गाड़ी रोक के बर्गर लिए बच्चों के लिए, और ये हमारे जो घर पे मोहन काम करता है उनके पापा हैं, इन ये जो मेरे चाचा लगते हैं, तो मैं चुपचाप से पीछे बैठ गई सीट पे उतर के, क्योंकि कल संडे था तो यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह मंडी लगती है, तो सब अपना सामान लेने आते हैं, तो ये रस्ते में खड़े थे, हस्बैंड ने बोला कि तू पीछे बैठ, तो मेरा कायदा यही है क्योंकि मैं इनको अपने जैसे ससुर जैसे मानती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ मैं इनकी, बहुत ही अच्छे हैं ये मेरे चाचा जी, और ये मोहन के पापा हैं। सुनो, तुम्हें भी तो बोला था आज करवा लो, बढ़िया करवा रखे मोहन कटिंग, पूरी सही हो रही कटिंग, दिखाओ तुम भी करवा लो कटिंग, मोहन ने भी करवा ली है, नहीं सुनते ही नहीं है, शेविंग के नाम पे कभी जागते ही नहीं है क्या, झाड़ी फाड़ दी सारी कैमरे, हाँ कैमरे के ऊपर झाड़ियां लग रही थी, पेड़ पौधे कपड़े घूम रहे हैं, और डेविल का मन कर रहा है ऊपर घूम के आने का, तो देखो उठ लिया है, इसे पता लग गया तुझे घुमाएगी है ना, घूम के आएगा ना, चल चल तू और मैं चलेंगे, ये बच्चे तो अपने आप घूमेंगे, तुझे नहीं घुमाने वाले, देखो देखेगा अभी यहाँ पे खड़ा होके छत पे सबको देखता रहेगा। ठीक
ठीक है जूते। अक्षय चीनी निकाल के ला बेटा, चीनी खत्म होगी, दोनों भर ला फटाफट से। ये जो है मेरी चाय बन गई है, तो मैं इसको छान लू, गैस नहीं बंद करती, गैस चलती रहेगी। अब मैं मोहन की और इनकी चाय बना रही हूँ। आज मेरा दूध सुबह उबल गया था ना, तो बच गया थोड़ा सा, ऊपर तक भगोना गंदा हो रहा है। ये डाल दिए पत्ती। मोहन थोड़ी मीठी पीता है, 1.5 चम्मच चीनी। कड़क, आज थोड़े लेट हो गए, हम डॉक्टर के गए थे ना, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। मैं ना अब YouTube पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, और मुझे नहीं लगता मुझे अपना एक भी मिनट खोना चाहिए किसी से बात करने में या कहीं पे बैठ के। मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तो चाय के साथ काम पे फोकस करती हूँ मैं। अब चाय थोड़ी सी ज़रूरी है, जब हम ज़्यादा बिजी होते हैं तो काम करते हैं ना, तो ये लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए काम करने की, और थोड़ा चाय के साथ रेस्ट भी हो जाता है, तो चाय के साथ रेस्ट करती हूँ। बाकी मैं बहुत काम करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी हूँ। यानी कि मैं पूरा दिन सोती हूँ, पहले सोती थी जब मैं बीमार थी तो लेटी रहती थी नींद आ जाती थी, अब नहीं नींद आती क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है लोगों को। जो लोग बातें बनाते हैं उनके मुँह बंद करने हैं मुझे, और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी मेरे साथ साथ जो जो रहते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो देखते जाएंगे मैंने लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। और जो जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो कभी हारते नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में सीख ली है, और खुद भी मैं बहुत सक्सेस हुई हूँ, मतलब बहुत, काफी कुछ नहीं थी मैं, और मेहनत कर करके आगे बढ़ी हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, किसी के साथ फालतू बकवास ना करें, और अपने काम पे ध्यान दे। बिल्कुल भाई, मैं भी बहुत अपने काम पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ में। बहुत लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं, उनके मुंह बंद करने हैं। तो चाय के साथ बिजी रहना चाहिए, थोड़ी चाय से एनर्जी आ जाती है। तो मैं भी अब काम करती हूँ भाई, चाय बना लूँ। देखो काम के साथ साथ मैं सारा काम भी करती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और ज़्यादातर देखते हो गए आप, मैं अब एक्टिव भी रहने लगी यूट्यूब पे। फिर भी मैं मतलब अब भी यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को इंस्टा भी काम आता है, और घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं जब मतलब कैमरा नहीं ऑन हो पाता है। ये हो गई चाय तैयार, मोहन किरण की, इन्होंने तो अभी पी थी, तो आधा कप लेंगे बस। लो चाय ले लो फटाफट से, डेयरी में अंधेरा सा दिखता है आपको, वैसे तो चांदना हो रहा है वो काफी, मतलब दिखाई दे रहा है इसमें ना, ब्लैक दिख रहा है ज्यादा ज्यादा। ये दूध निकाल रहे हैं अभी। मेरी जो है टीचर ने कहा था, बैक वेंचर खोटे सिक्के, बहुत लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बहुतों ने कहा खोटा सिक्का हूं मैं, तो खोटा सिक्का चलेगा करोड़ा की तरह, बिल्कुल आपको साबित करके दिखा दूंगी मैं। और दूसरी बात है, बैक वेंचर हमेशा लाइफ में टॉप करते हैं। मैच चल रहा है, इनको चाहिए, जीत जाएंगे। एक छक्का जी, तुम्हारा काम खत्म। अफ्रीका वाले मम्मी है, रोटी क्या सुबह भी खा ली थी छक्के, जानबूझ के बस मैं ही दिख रही हूँ अभी। ने आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बैठी थी सुवारी, मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही थी, फिर मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया, तो काफी देर बात हो गई, और अभी तक सिर में दर्द कर दिया। मैच चल रहा है, अंदर बहुत बोल रहे हैं, मेरे को टीवी की आवाज बिल्कुल नहीं सुहाती, मेरे बस की नहीं है इतना शोर शराबा। मैं सिर्फ देखो कितने मजे से मैच चलवा रहे हैं, चौका मार दिया, कितनी रह रही इनकी, कितनी बॉल, आठ रन 11 बोल रहे हैं इनकी, देख लो। और मुझे बोल रहे तू मैच मत देख, मेरे को भी इंटरेस्ट सा आया, मुझे भी इंटरेस्ट सा आ रहा था थोड़ा सा मैच में, देखते हैं लास्ट टाइम पे क्या होता है। 8 रन 11 बॉल तो जीत ही जाएंगे शायद कई बार, क्योंकि एक बॉल पे इंडिया भी छक्का मार देता है लास्ट टाइम पे, 5 रन होते हैं जब जीत ही जाता है, टाइम का कुछ नहीं पता होता कब कौन जीत जाए। और मेरे को उठा दिया, मेरे को बार बार में बोल रहे जा रोटी बना, अभी खा के गए थे, आपने देखा ही था शाम को 4:30 बजे के करीब या 3:30 बजे के करीब खाया था चाय रोटी, अभी बोल रहे रोटी ले गया, अभी मैं रोटी बना रही, मेरे को बैठने नहीं देते किसी टाइम भी, आ जाते ना घर में, अंदर घुसते ही चाय बना ला, फलाना बना ला, दगड़ा बना ला, बस ऐसे ही करते रहते। और मैंने पता है नैना को बोला था कि ना रोटी सेक के जाना, 6-8 रोटी सेक के जाना, बोली हाँ सेक दूंगी, और मैंने अभी देखा कि उसने रोटी नहीं सेकी है, तो कैसे करूं, अभी करना ही पड़ेगा ये काम। मेरे को इंजेक्शन लगा, बहुत दर्द कर रहा है, लेफ्ट कुल्ले में लगा तो बहुत दर्द कर रहा है, आज ज़्यादा दवाई लगाई उन्होंने, बोल रहे थे कि ठीक हो जाओगे जल्दी से, तो ठीक होने के लिए थोड़ा दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा।
मैं ना रात को सारे दूध के भगोने खाली करके सोती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े फ्रिज खाली हो जाता है, और सुबह ने ना जल्दी आती है तो सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। ये मैं घी गरम कर रही हूँ थोड़ा सा, जो मैंने ताया था सुबह ही, अब इसको आज गरम करके सारा एक उसमें डोल। ये घी गरम हो गया मेरा, घी गरम कर दिया मैंने, घी ताया था, और दही जमा रही हूँ अभी। खाना वगैरह हमारा सारा हो गया है, बच्चे कर रहे हैं होमवर्क, ये गुड़िया कर रही है, तो क्या बना रही है, अक्षित अपना ग्लू से खेल रहा है और होमवर्क कर रहा है, देख लो कैसे फैला रखा है, और ये भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक है या इंस्टा, इंस्टा चला रहे हैं, देख रहे हैं मजे से। मैं तब तक निपटा देती हूँ किचन का काम, किचन भरी पड़ी है देखो, मैं निपटा लेती हूँ अभी किचन का काम। मैंने सुबह के लिए गोभी भी साफ कर ली है, सुबह सब्जी बनाऊंगी गोभी की, साफ करके रख दी है, बच्चे स्कूल जाएंगे। ये अभी तैयारी कर रहे हैं रील बनाने की, और रात के बज गए हैं 11:15, फोन ये पड़ा मेरा, रील चालू है देखो, और इन्होंने पता है क्या कर रहे हैं, ये इसे झाड़ू वाले सीख को बांध रहे हैं। अक्षित ने पता है क्या किया, रील के धागे से बांध रहा था इसको, इसने इसको पूरा खिंडा दिया बेड पे, ये देखो बेड के ऊपर इसने सीख के खिंडा दी, और फिर पता रील के धागे से बांध रहा था इसको ये। मैंने उसको रिप्लाई किया कि वो वो ना मेरे हस्बैंड बोतरी चाहिए, इनकी दूसरी शादी है, और आपकी नजर में कोई और लड़की हो तो और बता देना, वो एक बार शादी कर लेंगे। और क्या कहती मैं, अब तुम्हारी शेविंग मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मैं इतनी जवान दिखती हूँ, क्या करूं। 12 बजे तेरा सकल में 12 टाइम ने बजा रखे हैं, ठीक है, पर तेरे मेरे 12 तेरे 24 बज रहे हैं, चल पतली गली में निकल, तू निकल चल। ओ मेरी जान जुत्ती तेरी काले, यहाँ पे मैं रील प्रमोशन कर रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर थोड़ा टचअप करने चली गई स्टोर रूम में, और इतनी देर में इन्होंने यहाँ पे शरारत करनी शुरू कर दी 2 मिनट में ही, फिर इतने शरारत बहुत ज़्यादा शरारत। बाय बाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।